जय हिंद जोहार सभी सीजीएल अभ्यर्थियों के लिए। जैसे कि पता होगा कि परीक्षा तो बहुत जल्द होने वाला है आप लोगों का, चाहे जैसे भी हो। आनन फानन में पिछले बार हुआ था, आनन फानन में जैसे तैसे हो गया था, है ना, पेपर लीक का मामला हो गया था। अलग बात है, आनन फानन में हुआ था तो मिस्टेक होगा ही होगा। इस बार भी बहुत जल्दबाजी में आपका परीक्षा होने वाला है, ठीक है, आनन फानन में परीक्षा होने वाली है। लेकिन इस बार पूरा ट्रांसपेरेंसी रहने की उम्मीद करते हैं, एक मतलब पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन हो ऐसा चाहत करते हैं। और उसी में एक यहाँ पे मेरे पास अपडेट था तो मैं सोचू आप लोगों को बता दूं। ये 10 तारीख का अपडेट है, यानी कि 10 जुलाई को, ठीक है। जैसे कि पता होगा कि सीजीएल परीक्षा को लेकर के सभी जिलों के उपायुक्त का कार्यालय से मांगा गया था कि कितना कितना सीट कौन कौन जिला में अवेलेबल है जहां पे परीक्षा का आयोजन हो सकता है। उसी में एक यहाँ से हजारीबाग का निकल के पीडीएफ बाहर आया है, जिसको समझिएगा ध्यान से। इसमें साफ लिखा हुआ है प्राचार्य प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक विनोबा भावे विश्वविद्यालय का है, जिसमें लिखा है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो सीजीएल है 2023 का, ठीक है, उसके लिए प्रस्तावित सभी परीक्षा केंद्र यानी हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग जिला में जितना भी परीक्षा केंद्र है उसका एक लिस्ट तैयार करके सौंप दिया गया है कि हजारीबाग में इतने सीट इस कॉलेज में या अवेलेबल है, उसका लिस्ट यहाँ पे बना करके दिया गया है। 10/7/24 को यह निकाला गया है, ठीक है। विषय ध्यान से देख लो बाबू, आगामी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में, यानी कि परीक्षा केंद्र का लिस्ट बना करके देना शुरू हो चुका है, ठीक है, जैसे कि मांगा गया था। आपको पता ही होगा उपयुक्त विषय सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची का ज्ञापन परीक्षा संख्या इतना 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 5/7/24 के द्वारा अगस्त माह के तृतीय सप्ताह में, ध्यान से देख लो, अगस्त माह के तृतीय सप्ताह में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रस्तावित है। यानी कि अगस्त महीना के तीसरा सप्ताह में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, सीजीएल की परीक्षा है, वह होने वाला है, ठीक है। और उसी में परीक्षा केंद्र जो है परीक्षा के लिए सीट जो मैट्रिक से अभ्यर्थियों का उसका लिस्ट मांगा गया था, जो कि सौंपा गया है निकाल करके, ठीक है। इसमें सीट देखो कैसे कैसे है बाबू, ठीक है, यहाँ देखो ना, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हजारीबाग का है, जिसमें देखिए अलग अलग कॉलेज का नाम है। जैसे +2 है ना, जिला स्कूल हजारीबाग जो है उसमें 264 लोगों का बैठने का कैपेसिटी है। उसी तरह से 1032 स्टूडेंट आनंद कॉलेज फोर्ट रोड, है ना, गुरु गोविंद सिंह रोड हजारीबाग में बैठने का कैपेसिटी है। उसी तरह से हर कॉलेज का स्कूल का जहां जहां अवेलेबल है हजारीबाग जिले में, वहां पे परीक्षा केंद्र बनाया गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा केंद्र तो बना है, जैसे हजारीबाग का परीक्षा केंद्र की संख्या देखिए कितना है, इसमें देखिए बहुत ज्यादा सेंटर यहाँ भी है, 88 को परीक्षा केंद्र हजारीबाग में चयनित किया गया है, बताया गया, चयनित नहीं किया गया, बता दिया गया है, लिस्ट बना के दे दिया गया है कि 88 को सेंटर है जहां पे हम लोग परीक्षा का आयोजन ले सकते हैं। और सब में 150 से ऊपर ही बच्चा बैठे हैं, कोई में 150, कोई में 200, कोई में 500, कोई में 700, कोई में 1000, कोई में 600, लेकिन सब में लगभग लगभग 150 से ऊपर है। जैसे 192, 168 है ना, बाकी देखिए 300, 400, 192 है ना, इससे कम नहीं दिखा देता, 192, मतलब सब में लगभग 144। तो इस तरह से आपका पूरा सेंटर बनाया गया है। इस पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने का मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका परीक्षा अगस्त के तीसरा सप्ताह में होगा कंफर्म, ठीक है। ऐसे सभी जिलों के द्वारा भेजा जा रहा है लिस्ट बना करके, अब कहाँ कहाँ सेंटर बनता है ये कहना मुश्किल है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, ये कहना मुश्किल है कहाँ कहाँ बनता है। लेकिन आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, ठीक है, जिनका जो जो विषय है पेपर टू में उसको अच्छा से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि पेपर टू से ही आपका मेरिट बनने वाला है ज्यादातर, ठीक है। पेपर थ्री में तो बहुत सारे बच्चे जो है वो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप होने से क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना छोड़ दिए थे बीच में ना, जिनका उम्मीद टूट गया था, हौसला टूट गया था, बहुत साल से मेहनत करते करते लास्ट में देखिए पेपर लीक का मामला हो चुका है तो छोड़ दिए थे पढ़ना। तो पेपर थ्री में कहीं ना कहीं मात हो सकता है, लेकिन पेपर टू में अगर आप अच्छा से मेहनत कर रहे हैं तो आपको वो बचा सकता है, रिकवर कर सकता है, खास करके नागपुरी
कोटा वाले स्टूडेंट को बोला जा रहा है। ठीक है, हिंदी वालों का सिलेबस ज्यादा है, आपको पता ही होगा, और हिंदी का भी क्लास लगातार दी जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग अपना तैयारी में लग जाइए जबरदस्त तरीके से, सीजीएल का खास करके। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो वीडियो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। इसी तरह से सभी जगह से लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका ये निर्धारित की जाएगी परीक्षा केंद्र, फिर आपका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग अभी से अच्छे से पढ़िए, लगिए, लगातार पढ़िए, है ना, मन तन से पढ़िए एकदम, है ना, सारा जी जान लगा दीजिए, अपने आप को गायब कर दीजिए अभी से लेकर अगस्त माह तक, जैसे आप हैं ही नहीं, आप जिंदा ही नहीं है, आपका नाम का कोई इंसान ही नहीं है, खोजने से भी ना मिले, ऐसे घुस जाओ रूम में आप पढ़ो। ठीक है, अब बाकी परीक्षा का जितना मर्जी होगा, जितना दिन घूमना होगा लगातार घूम लेना। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिएगा ताकि आप परीक्षा दे सके। धन्यवाद सभी को, जोहार।